A doodle doodle da. कैसा लग रहा है आपको स्विट्जरलैंड? मन कर रहा है कि सारा पहाड़ को जो है ना गले लगा के, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। हैप्पी बर्थडे झाजी। तो आज हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन है ब्लू सी, वो भी बहुत ही फेमस यहाँ पर है। उसके बाद और जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। देखने के बाद एक और सरप्राइज है जो कि वो भी फेमस है, लेकिन जो है ना लोग ज्यादा वहाँ नहीं जाते हैं। लोग ज्यादा ग्रिंडलवाल्ड और लाउटरब्रुनर की तरफ जाते हैं। स्विट्जरलैंड के इस पार्ट में भी बहुत अच्छा चीज है। चलिए तो आज हमारा जन्मदिन जो है हम लोग स्विट्जरलैंड में बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना हरा भरा पहाड़ों के बीच हम लोग हैं। हाँ, यही हमारा होटल का लोकेशन। ये रहा हमारा होटल। हाँ, होटल के पास से हमारा, जैसे ही विंडो खोलो बालकनी में आओ, बहुत अच्छा व्यू। मेरा ये वाला बालकनी था, मस्त पूरा मस्त व्यू आता था। चलिए चलिए हमें, आप देख सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन में ब्लाउज सी। हमारी धर्मपत्नी पूरा आज जो है सफेदी की चमकार में है, क्योंकि आज बारिश नहीं। पूरा लग रहा है जानू आपकी नेचर की में ना, नेचर की देवी हैं आप, प्रकृति की देवी बनी हुई हैं आप, सही में। हाँ, वाह। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। कितना अच्छा मौसम, धूप अभी वहीं चलता है। हाँ, पहाड़ के कारण ना धूप यहाँ आ ही नहीं पा रहा है। लग रहा है गुफा है जी। हाँ, और थोड़ा ठंड भी है अभी सुबह में। हम लोग 10 बजे एकदम पहुंच गए हैं। देख सकते हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं जहाँ आपको ना ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी। देखिएगा, बस मछली ही निकालो फ्राई कर। वाओ, पानी देखिए ना कितना अच्छा कलर लग रहा है। और यहाँ पे धूप महाराज आ गए हैं कॉर्नर में, और इसमें ना बोटिंग भी कराता है। आज इसे फिश देख, वो देख सकते हैं पूरा मछली ही मछली है। चलिए चलिए आगे घूमते हम लोग। यहाँ पे सारी मछलियाँ जमा हो गई है, मस्त रह गया। देख रहे हैं आप लोग कितनी सारी मछलियाँ एक साथ है। वाओ, जाना है? हाँ हाँ, क्या मछलियों के एकदम पास से देखेंगे।
ग्लास है कि वाटर है? ग्लास है। We see now we go in the deep. They don't like so much. No, why? They don't know how to swim so. No, what a joke. They don't like the deep water so much. That's the reason. And the fresh water is behind. Okay. There's two springs, and they like fresh water, and they get the food mostly behind. So that's the. Three reasons for the food is important. Yeah, of course. Careful! कैसा लगा? मस्त। हम लोगों ने बोटिंग किया है, मछली को जो है एकदम पास से करीब से देखा है। ऋषित बोटिंग किया, उसको हिंदी आते है, वो ना दिल्ली में कनॉट प्लेस और क्या बोला था, पहाड़ गंज चलाने वाला था ना। बहुत ही फनी था, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया क्या कैसा, किधर से पानी आता है, सन किधर से ना, ये झील नहीं है, ये ना चलता हुआ ना नदी है समझे, पानी तरफ से आता है तरफ से जाता है, इसलिए कभी फ्रीज नहीं होता ये। Okay, वही, कभी विंटर में भी नहीं? नहीं, विंटर में भी नहीं, हमेशा 4 डिग्री इसका अंदर रहता। हाँ, है वो 4 डिग्री तो बोला किसका, हमेशा पानी जो है ना पहाड़ से आता है धीरे धीरे और दूसरे साइड से निकलता है, इसलिए फ्रोजन नहीं होता है कभी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट बोला कि विंटर में सन नहीं आता है। विंटर में यहाँ सन नहीं आता है, देखो ना अभी समर में भी सन भी नहीं आया क्योंकि चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ के बीच में है ये। तो चलिए आगे और हम लोग एक राउंड लगाते हैं, देखते हैं क्या और दिखता है, दिखाते हैं। हम लोग को आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग जो है ब्लाउज से जो है हमारा उसके दूसरी साइड में है, एक राउंड कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ब्लू सी हो जाएगा। बस देख लीजिए दूसरी साइड से ये ब्लाउज सी का नजारा, बहुत ही खूबसूरत है। मछली फॉलो कर रहे हैं ना आप, एकदम लग रहे हैं मछली देवी, तो क्या बताए, देखिए व्हाइट में एकदम खूबसूरत आप लग रहे हैं। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं ब्लाउज सी से, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से 15 मिनट है, 10 to 15 मिनट, और ब्लाउज सी का जो एंट्री कार्ड था हम लोग के पास, गेस्ट कार्ड था, होटल में ना गेस्ट कार्ड देता है, उससे आपका ना कुछ छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिलता है। हाँ, तो हम लोग का 8 यूरो था, लेकिन हमें 6 यूरो लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू डेस्टिनेशन, वहाँ पे चलिए, वहाँ पे चल के दिखाएंगे। वो हमारे बीवी का और एक फेवरेट जगह है, पता नहीं कहाँ कहाँ से खोजी है लड़की, बहुत लेकिन खूबसूरत है, मिलते हैं वहाँ। हाँ, तो वहाँ पे मिलते हैं। देखिए अब हमारा जो है ना अगला डेस्टिनेशन खूबसूरती से भरा हुआ, आप देख सकते हैं। ये जगह का नाम है कांडरस्टेग,
जो एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में आता है स्विट्जरलैंड में। ब्लाउसी अगर आइए तो ये भी जो है ना उसी के पास में है, यहाँ पे जरूर बना सकते हैं आने का आप लोग प्रोग्राम। पानी पानी पूरा झरना जैसा है, पूरा वाटरफॉल है ना। चलिए मैडम आगे की ओर बढ़ा जाए हमारा। और यहाँ पे टिकट काउंटर है और वो रहा हमारा केबल कार। पहले केबल कार से ऊपर जाना है, फिर वहाँ पे रोलर पान है, फिर झील है, वो ऊपर चलेंगे। और ये देखिए ये यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है टिकट के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ है आपको घूमने का ना, देख रहे हैं रोडल बान है, फिर बोट भी आप चला सकते हैं या तो बस से जा सकते हैं या तो केबल कार से ऊपर जाइए। ग्रीन मींस आपका अभी चल रहा है और समर, इधर आपका सब बंद है, विंटर का। हाँ चाची कितना टिकट हो? कितना टिकट हो गया? अरे टोटल जो है ना 85 यूरो हुआ है, ठीक है। और जिसमें हमारा रोडल बान है, रोडल बान मतलब हो गया उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड टाइप का पहाड़ पे स्लाइड रहता है, और केबल कार का है, ठीक है। तो केबल कार का जो है ना, देखिए जाने और आने का जो है ना हमें लग गया है 30 यूरो, ठीक है, केबल कार का। और रिसीट का लगा है 15 यूरो, और रोडल बान का हमारा लगा है 6 यूरो, और रिसीट का लगा है 5। हाँ चलिए एक बार ये पोस्टर भी आपको दिखा देते हैं अगर ना समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर ऋषि का प्रॉमिस चल रहा है, ये देख सकते हैं। और हमारी बीवी जबरदस्ती का जो है ना कॉफी मांगी है। मेरा कॉफी ये है, इनका कॉफी है। चेस चेस, ऊपर ठंडा भी है और गर्म भी है। धूप आता है तो गर्मी, अदरवाइज ठंड। तो चलिए ऊपर आ गए हम लोग। अब हमारा जो है ना 15 या 20 मिनट का है वाकई झील तक जाने का। ओसिनन झील, ओसिनन से ये झील का नाम है, बहुत डिफिकल्ट नाम है। हाँ, वो झील पहाड़ के बीच में है इसलिए फेमस है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। तो आपको 20 मिनट यहाँ से वॉक करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, देख सकते हैं, देख रहे हैं, मस्त व्यू लग रहा है ना। वहाँ देखिए फोटो, मस्त उधर फोटो सूख रहा हूँ, जबरदस्त पहाड़ है, ये देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ी है, समझे ये।
देख सकते हैं अपने ब्लॉगर को इतना सुंदर नजारों के बीच में, हाँ है ना। अभी 10 मिनट और है झील का, चलिए बढ़ता जाए आगे। से ज्यादा लग रहा होगी, चलो यार 20 मिनट तो चले जा रहे थे। किधर दिख रहा है, ये देख रहे हो? अरे यार हाँ दिख गया, हाँ वाओ ये देखिए क्या मस्त लग रहा है जी, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए आगे चल के दिखाते हैं, पहले ऊपर से देखा जाए थोड़ा फिर नीचे चलेंगे। हाँ ऊपर से देखिए क्योंकि चलना भी यहाँ पे मुश्किल है, पहले हम लोग ऊपर से आपको दिखाते हैं व्यू, उसके बाद नीचे जाएंगे। अगर ट्रैकिंग करने का आपको शौक है ना तो ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं ना ये ऊपर तक जाता है, वहां से आप और अच्छा से व्यू ले सकते हैं। यहाँ तो बहुत गजब नजारा लग रहा है, हाँ? है ना? आप लोग स्विट्जरलैंड आए और यहाँ नहीं आए तो क्या देखें आप लोग, पहाड़ों के बीच में जो है छोटा सा झील, कितना खूबसूरत। झील का नाम फिर से एक बार बोला जाए, ओए सीनेंसी। बहुत भारी है ये, बहुत भारी। हाँ हो सकता है गलत बोल रहे हैं लेकिन आप वो गूगल सर्च कीजिएगा ना। जन्नत पर पहुंच गए लग रहे हैं। यहाँ का सबसे अच्छा क्या लगा हमें अपना अनुभव हम बताते हैं। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, दोनों साइड पहाड़ है और बीच में रास्ता, दोनों साइड चारों साइड है, लेकिन मतलब रास्ता जो बना हुआ है ना, आप कैसे भी देखो आपको बस पहाड़ी दिखेगा। ये बहुत अच्छा मोमेंट है और आज बारिश नहीं हो रहा है, क्लाउडी नहीं है, एकदम दूर तक दिख रहे पूरा हमारा पहाड़ दिख रहा है। और ये जो है लेक को ना ऊपर से और ट्रैकिंग करना अगर चाहते हैं तो ऊपर से और अच्छा व्यू ना ऊपर जाएंगे चढ़ेंगे तो और अच्छा दिखेगा। अब हम लोग ऊपर तो नहीं जाएंगे लेकिन झील की ओर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। 20 मिनट आपको वॉक करके आना, अगर वॉक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया ना एक छोटा सा बस चलता है जो 12 पैसेंजर को लेके अप डाउन करता है, तो उस पर आप आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ जरूर आइए, हम बहुत मेहनत से जगह को खोजे हैं, हमें बहुत मतलब ऐसा पहाड़ हम नहीं देखे एकदम पास से, मतलब दोनों साइड चल रहे हैं, चार तो इधर देखो पहाड़ इधर देखो पहाड़, बहुत ही खूबसूरत है। We'll be right back.
आपको बहुत पसंद है नेचर, ये लीजिए नेचर। बोर्ड डिजाइन लग रहा है ना कि सब जो है ना बुक हो गया, वो देख रहे हैं बोटिंग सब चला रहा है। ये देखिए, ये देखिए बोट लाइन में वहां लगना पड़ेगा मे बी। जानू बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। वाह, चारों तरफ जो है ना लग रहा है कि फोटो ही लेने का जो है सीन है एकदम। मेरे वीडियो सुबह से शूट की है ना कि मैं बैटरी डाउन हो गया है। अब बैटरी उनके मोबाइल से हमको बनाना पड़ेगा, मेरा ना चार्ज खत्म हो गया। उतर जा। हाँ ये देख रहे हैं क्या खतरनाक जो है यहाँ का नजारा है, गजब का मंजर देख सकते हैं। वाओ, और हमारी धर्मपत्नी उस चट्टान पे बैठी हुई है, चट्टान से नीचे उतरिए जानू आप। एक और प्राकृतिक सुंदर नजारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना 6 वाटरफॉल है एक साथ, आपको जूम करके दिखाते हैं, देख रहे हैं वो 7 वो 8। हाँ मतलब कि हर जगह है, हर जगह है। 11 वो वहाँ एक कॉर्नर में, 12 कॉर्नर में भी है। हाँ यहाँ पे आप ना ट्रैकिंग करके ऊपर से इस व्यू को देख सकते हैं, लोग वहाँ तक जाते हैं ट्रैकिंग करके। हाँ तो यही सबका पानी जो है ना इसमें आता है, इसमें हमेशा इसलिए पानी रहता है। अब हम लोग जो है रोडल बान जो क्या उसको बोलते हैं, फिसलने वाला रहता है कोस्टर, रोलर कोस्टर में चलते हैं। उसके बाद हमारा आज का दिन लग रहा है खत्म हो जाएगा, वहाँ चलिए थोड़ा दिखाते हैं कोस्टर में। हेलो गुरु, जाने मन बहुत थैंक यू कि बर्थडे में जो है इतना सुंदर जगह लाए हैं। ठीक है, अब इस केबल कार देख रहे होंगे, इससे हम लोग नीचे जाएंगे और उसके बाद इस ब्लॉग का जो है आज का अंत हो गया है। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए हैं किसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं।